हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि 6-6 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट डालने वाला है, ठीक है? आपकी ओवरऑल लाइफ में आप क्या चेंजेस फील कर सकते हैं, ये हम देखेंगे आज इस रीडिंग में। सो रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आपको इस रीडिंग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आप तक राइट गाइडेंस पहुँच पाए, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, सो देख लेंगे 6-6 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर आने वाला है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा, जो लोग भी कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में, 6-6 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 6-6 पोर्टल कौन से चेंजेस लेकर आएगा, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। सेल्फ लव बहुत खूबसूरत स्टार्ट है। जो 6 की ऊर्जा होती है वो भी प्यार की ऊर्जा होती है, ठीक है? बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि आप औरों को तो बहुत प्यार कर चुके हो, औरों के लिए तो बहुत कुछ कर चुके हो, ठीक है? अब आपकी आपके आपके ऊपर जो अटेंशन नहीं दिया गया है, किसने नहीं दिया? आपने खुद ने नहीं दिया। जो आपने अपने ऊपर अटेंशन नहीं दिया, जो आपने अपनी केयर नहीं की, खुद से प्यार नहीं किया, दूसरों को तो बहुत प्यार दे दिया, खुद से तो कभी प्यार किया ही नहीं, तो वो एनर्जी है अभी यहाँ पे, ठीक है? आप खुद से प्यार करोगे, आप अपने बारे में सोचना शुरू करोगे, कहाँ कमी है, कहाँ पर ऐसे अनहील पार्ट्स कौन से हैं आपके जो कि अब हीलिंग मांग रहे हैं, जो कि अब हील होना चाहते हैं, उसके ऊपर आप अटेंशन दोगे, जिसको आप इतने समय से इग्नोर कर रहे थे। आपने सोचा ही नहीं कि मुझे केयर की ज़रूरत है, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे नरिशमेंट की ज़रूरत है, और वो मुझे खुद को ही देना पड़ेगा, अपने आप को कोई और नहीं देगा, ठीक है? किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम खुद ही अपने आप को, अपनी सोल को नरिश नहीं कर रहे हैं तो और कोई कैसे करेगा, ठीक है? सो पहला जो बहुत खूबसूरत मैसेज है वो ये है कि आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे, ये सबसे मेजर चेंज होने वाला है और इसी के बाद सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये जो कार्ड है ये पहला कार्ड है, ठीक है? ये इस रीडिंग का पहला कार्ड है, तो ये पहली शुरुआत है जो आपको करनी पड़ेगी, पहला इनिशिएटिव है जो आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद ही सारी चीजें आपकी अलाइन होंगी जैसे आप चाहते हैं, ठीक है? सेकंड, वाव, देखो मैंने बोला आपको, जैसे ही आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे ना, यहां पे आपके लिए मैनिफेस्टेशन का मैसेज है। आपकी जो ड्रीम्स है ना, आपके जो गोल्स हैं, आप जो दुआ करते हुए मांगते हो भगवान से, आपकी जो मन्नतें हैं वो पूरी होगी, आप जो विश करते हो, आपकी विशेस जो है वो फुलफिल होंगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है रंग लाएंगी, जैसे ही आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे। अब खुद से प्यार करने का मतलब ये है कि आप ये देखो आपको क्या चाहिए है, आपकी सोल क्या मांगती है, आपको किस चीज में खुशी मिलती है, आपको क्या करने से हैप्पीनेस मिलती है, वो करना है। खुद के बारे में सोचना है, खुद की ग्रोथ के बारे में सोचना है। जो टाइम दूसरों को देते हो, दूसरों को चेज करने में लगाते हो, वो अपने ऊपर लगाना है, ठीक है? अपनी लुक्स में क्या चेंज कर सकते हो, अपनी इनर ब्यूटी में आपको कहाँ काम करने की जरूरत है। अब देखिए, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि हम जो है, हमसे बेहतर हमको और कोई नहीं जानता, तो हमें हमारे सारे आंसर्स पता होते हैं, कहाँ पर क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। बस ये होता है कि हम इग्नोर कर रहे होते हैं उसको, तो वो इग्नोरेंस की एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हो, और आपकी मैनिफेस्टेशन 6-6 पोर्टल पूरी करने वाला है, तो तैयार हो जाओ, ठीक है? बहुत कुछ आने वाला है। लीडरशिप, यू आर अ बॉर्न लीडर, आपको किसी के पीछे नहीं जाना है, आपको ये नहीं देखना है अच्छा वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूं, नहीं, आप ट्रेंड सेटर हो, आप जो शुरू करते हो वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है? तो उस एनर्जी से आप कनेक्ट होने वाले हो 6-6 पोर्टल में, आप लीड लोगे, आप बोलोगे ठीक है मुझे अपने लिए खुद कुछ करना है, अगर मैंने कुछ सोचा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया था, ठीक है, तो आप उसको शुरुआत उसकी शुरुआत कर सकते हो, उसको शुरू कर सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो, मेहनत मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप करोगे, ठीक है? और वो मेहनत आपकी रंग भी लाएगी। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जो काम ऐसे थे ना, आपने सोचा था यार ये आएगा ना तो मैं कर लूंगी, है ना, मेरी फ्रेंड मुझे इस चीज में हेल्प करेगी ना तो मैं कर लूंगी, ठीक है? आप जिससे डिपेंडेंट हो गए थे लोगों पर, अब वो एनर्जी खत्म होने वाली है, कहीं से बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है? इसको जल्दी से रिसीव कर लो, क्लेम करके
आप क्या क्लेम कर सकते हो? आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग. आप ये कॉमेंट कर सकते हो. सो पहला यहाँ पर जो है सेल्फ लव है, मैनिफेस्टेशन और लीडरशिप. सो गाइज अब देखो, एक चीज मैं आपको बहुत खूबसूरत दिखाऊंगी, ठीक है, और आप बोलोगे सच में डिवाइन मुझे कैसे आंसर्स देते हैं. ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ. तो मैं आपको लीडरशिप एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको, आप बॉर्न लीडर हो. आपको चेज नहीं करना है, किसी की वेट नहीं करनी कि वो आएगा तो मैं ये काम करूंगी, वो जाएगा तो मैं इसको छोड़ूंगी. नहीं, आपको खुद पे डिपेंडेंट होना है. आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, उसका इस्तेमाल करो. लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो लोग मिसयूज करेंगे उस एनर्जी का, वो नहीं होने देना है. आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लोग फायदा उठाने लग गए हैं आपका, आपकी ये को डिपेंडेंसी वाली जो एनर्जी है ना उसका, कि ये तो मेरे पीछे ही आएगी, इसको तो मेरे से काम पड़ेगा तो ये अपने आप मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी. नहीं, वो नहीं करना है. लोगों को इस बारी हैरान करना है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और वो पावर आपकी तरफ आ रही है. ठीक है, अब मैं आपको क्या बोल रही थी, देखिए यहाँ पर ये रेड कलर का कार्ड है, ये पिंक कलर का कार्ड है, और ये जो कार्ड है ना इसमें दोनों है, रेड भी है और ये देखो ये पिंक भी है, जबकि यहाँ पर ब्लू है बट यहाँ पर रेड और पिंक दोनों है, दोनों का मिक्सचर है ये कार्ड. सो अगर आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे और जैसे ही आप देखोगे कि उस वो करने से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि आप लीडर बन जाओगे, इतना मोटिवेटेड फील करोगे कि यार मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैंने क्यों इतना वक्त जाया किया अपने लोगों के पीछे भाग कर, भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया था. तो ये एनर्जी है आपके लिए. ठीक है, ओके, सो अब देख लेते हैं और क्या लाने वाला है 66 पोर्टल. इतने सारे मैसेजेस मैं नहीं लेना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ दो कार्ड चाहिए इस डेक से. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, क्या होने वाला है उनके लाइफ में 66 पोर्टल में. थैंक यू वन लास्ट टाइम, प्लीज थैंक यू. ओके, क्रिएशन. सो ये 66 पोर्टल आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है. ठीक है, बहुत कुछ, और उसमें से काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने चाही हैं, आपने मांगी है, और कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोची भी नहीं है, जो सोची भी नहीं है, आपकी सोच के भी परे है, उससे कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है. ठीक है, सो बहुत कुछ मिलने वाला है और आप बहुत कुछ शुरू करने वाले हो 66 पोर्टल में. मैजिकल पोर्टल होने वाला है ये आपके लिए. ठीक है, एंड यहाँ पर मैं ये चीज भी आपको बोलूंगी कि जो भी लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, गुड न्यूज मिल सकती है. बहुत सारे लोग जो बहुत समय से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और हो नहीं पा रहा है, यहाँ पे आपको गुड न्यूज मिल सकती है. ठीक है, बस बैलेंस में रहिएगा. ठीक है, बस अपना काम करते रहिए, किसी चीज की आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए. जैसे ही अगर आप ये एनर्जी को, इस एनर्जी में टैप इन करेंगे ना, कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस अपना काम करते जा रहे हैं, आप देखना कितनी आसानी से आपके सारे काम हो जाएंगे. कंप्लीशन. ओके, सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बहुत सारी चीजें जो पेंडिंग थी, आपको ऐसा लगता था आपके पर्सन चले गए, रिश्ता जो है आधा अधूरा छोड़ के, यहाँ पे रीयूनियन हो सकता है, क्लोजर मिल सकता है, कंप्लीशन हो सकता है, कोई ऐसे पेंडिंग टास्क आपके जो पड़े हुए थे, बहुत समय से ड्यू चल रहे थे, उसका सोल्यूशन यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है. कोई किसी की कार्मिक साइकिल भी यहाँ पर मुझे कंप्लीट होती हुई दिख रही है ये 66 पोर्टल में. ठीक है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होगी आपकी लाइफ में. ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या मैजिक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं 66 पोर्टल में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, डिवाइन आपको किस चीज से ब्लेस करने वाले हैं. आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक. क्या और आने वाला है आपकी लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, करियर, फाइनेंसेस, क्या यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिएगा. 5 ऑफ अर्थ. सो गाइज यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपके पैसे से रिलेटेड फियर्स थे, प्रॉब्लम्स थी, ब्लॉकेजेस थे, उसका ना सोल्यूशन मिलने लगेगा आपको. जहाँ आपके पैसे फंसे हुए थे, आपको लगता है कि ये पर्सन ने मेरे पैसे मुझसे ले तो लिए ऐसी बातें करके, बट मेरी ही गलती हो गई, मैंने ही दे दिए, मैंने ही गलत कर दिया, जो आप रिग्रेट की एनर्जी में हो ना उससे बाहर आओगे. ठीक है, या आपको ऐसा लगता है यार मेरे को पहले ही इंट्यूशन हो रही थी, मुझे इसको कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, मैंने क्यों अपने दिल की नहीं सुनी उस टाइम पे, मैंने क्यों कमिट कर दिया, आपको रिग्रेट की एनर्जी, रिपेंटेंस की एनर्जी से बाहर आओगे. जो इतना ज्यादा सोच रहे हो ना उससे आप बाहर आने वाले हो. ठीक है, सो अगर मनी रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस हैं वो भी यहां पर हील होंगे. और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको आपकी ऐसा हो रहा था कि जॉब में आपको लग रहा था कि यार कभी भी जॉब छूट सकती है, मुझे छोड़नी पड़ सकती है,
सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उस चीज में भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बट पैसे को बहुत ध्यान से सोच समझ के यूज करना है, पैसा आपका वेस्ट ना हो इस चीज का ध्यान रखना है। द व्हील अगेन कंप्लीशन की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव टाइम आने वाला है। अगर कुछ भी हो गया ना, आपको लगता है यार इतना मेजर लॉस हो गया जिंदगी में, सब कुछ खो दिया, मैं कह रही हूँ जीरो से भी अगर आप शुरू कर रहे हो ना, तो इतना समझ लेना कि आप कहीं से भी शुरू कर रहे हो, माइनस से शुरू कर रहे हो, जीरो से शुरू कर रहे हो, जीत आपकी होगी। कि जो ये कार्ड निकल कर आया है ना, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है और आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो क्योंकि ये एंजल आर्कएंजल माइकल आपको आपकी आसपास है, और आप फील कर पाओगे कि आपकी जो भी सारी मुश्किलें हैं ना, उसमें आपको हल मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी। फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कंप्लीशन की एनर्जी है, गुड फॉर्च्यून आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी आपकी कार्मिक साइकिल्स थे ना, जो टाइज अटैच थे, वो सारे आपको, आप उससे रिलीज होने वाले हो, उसको रिलीज करने वाले हो। मतलब मुझे लग रहा है कि बस सारे दुख दुख जो है ना, अब आपके खत्म हो गए हैं। अब आप जो एक सुख की एनर्जी, जो एक हैप्पीनेस की ऊर्जा है ना, उसमें टैप इन करने वाले हो। आगे ही आगे बढ़ते रहोगे एंड आपको फील होगा कि यार मेरी लाइफ में अब हर एक चीज में ना मुझे सोल्यूशन मिलता जा रहा है। मेरा करियर भी अच्छा हो गया, फाइनेंसेस अच्छे हो गए, पर्सनल लाइफ अच्छी हो गई है, मेरी लव लाइफ बेटर हो गई है, सारी चीजों में ना आपको हल मिलता रहेगा। ये कार्ड है ये, ठीक है। और इसकी शुरुआत ही 6 जून से हो जाएगी आपके लिए। हो सकता है उससे एक दो दिन पहले से ही आपकी आपको कुछ एनर्जी फील होने लग गई हो, ठीक है। ओके, लास्ट कार्ड हमें चाहिए था, मिल गया है, 6 ऑफ एयर। सो ये कार्ड भी हमको ये बता रहा है, मुश्किलें पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ट्रैवल है यहां पर आपके लिए, डिफिकल्ट सिचुएशंस यहां पर एंड होने वाली हैं, और जिस भी चीज को आप ढूंढ रहे थे ना इतने टाइम से, वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। यहां पर कोशिश कीजिएगा कि अगर ट्रिप कर आपको कोई ऐसा मौका मिले जिसमें कि आप ट्रिप पे जा सको, वेकेशन पे जा सको, तो जरूर उस अपॉर्चुनिटी को लीजिएगा। बहुत ज्यादा सोचना मत कि इतना खर्चा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अपने आप आपको पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब घूमने के ऊपर जो खर्चा आएगा वो भी आपको आपको उसमें भी कोई मुश्किल नहीं होगी, आसानी से सब काम हो जाएगा, पैसे का अरेंजमेंट भी हो जाएगा, आप घूम भी आओगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, सब हो जाएगा। बस विश्वास रखना है कि आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, सो इससे बेहतर एनर्जी और क्या हो सकती है। दो मेजर अरकाना से हमारे पास कार्ड आ गए हैं, और ये कार्ड जो है हमको यही बता रहा है आपके हक में चीजें अब होने वाली हैं, क्योंकि आपने अब इतना दुख देख लिया है ना, इतना सब आपने झेल लिया है ना, कि अब आपको और कुछ नहीं झेलना है, क्योंकि आपका जो लेन देन था ना, जिसके साथ जो भी सब कुछ था, वो सब अब खत्म हो गया है। और अब आप खड़े हो गए अपने लिए, अपने बिलीव्स के लिए, आपके अंदर अपने आप ही स्ट्रेंथ आ जाएगी। आपको लगेगा यार इतने टाइम से तो मैं चुप था, कुछ बोलता ही नहीं था, अब कैसे इतनी हिम्मत आ गई है, अब कैसे मैं अपने हक के लिए खड़ा होना शुरू हो गया हूं। तो वो इसलिए आएगी क्योंकि अब आपके जो कार्मिक साइकिल से वो खत्म हो गए, अब डिवाइन जो है आपको, आपका जो हक है, आपके जो रिवॉर्ड्स हैं, उसके लिए खड़े होंगे, ठीक है। सो जस्टिस की ऊर्जा भी है यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब आपके लिए गाइडेंस कार्ड देख लेंगे कि क्या आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। लेट अस सी, देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं 6-6 पोर्टल के लिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। लेट अस सी। ओके, एक कार्ड निकल कर आ गया है हमारे पास, सन की एनर्जी है यहाँ पे। द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्च्यून। ये कार्ड बहुत मुश्किल से निकलता है गाइज, और शायद हो सकता है कि मेरे रीडिंग्स में जो मैं ऑनलाइन पोस्ट करती हूँ, शायद ये पहली बार आया है, आई एम नॉट श्योर, बट ये बहुत कम निकलता है कार्ड। एंड ये कार्ड बहुत ही ना पावरफुल एनर्जी है इस कार्ड की, से सन की कैसी ऊर्जा होती है ना, पूरी जग को रोशन करता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपकी लाइट बहुत बढ़ती हुई दिख रही है, आप फेम को अट्रैक्ट कर रहे हो, गुड फॉर्चून को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है इस टाइम पे बहुत सारा गोल्ड भी ले सकते हो, ऐसी सेलिब्रेशन हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है, जहां पर कि गोल्ड का लेना देना हो, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ में आने वाली हैं। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, बहुत पावरफुल एनर्जी, इसलिए प्लीज इसको जरूर क्लेम कीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड है, दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द लक, बाय बाय।